साल 1930 में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बेबी चिंपैंजी को अडॉप्ट किया और उसका एक साल का बेटा भी था, ह्यूमन बेटा, जिसका नाम था डोनाल्ड। तो उसने दोनों को एक साथ बड़ा होने के लिए छोड़ दिया। वो दोनों साथ खेलते थे, साथ खाते थे, एक्सेट्रा। वो साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहता था कि अगर किसी चिंपैंजी को ह्यूमन के साथ रख दिया जाए तो क्या वो ह्यूमन बिहेवियर सीखेगा। पर इस एक्सपेरिमेंट को उसे 11 महीने बाद ही बंद करना पड़ा, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर तो नहीं सीखा पर उसका रियल ह्यूमन बेटा डोनाल्ड चिंपैंजी जैसा जरूर करने लगा। एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया।